दोस्तों 15 अप्रैल से ट्रेनों में सीटों की मारामारी तो यहाँ पे चालू है और कई में रिजर्वेशन भी फुल हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कौन सी ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और 15 अप्रैल को कौन सी ट्रेनें कहाँ तक चलाई जाएंगी ताकि जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए लोग हैं वो अपने घर को जा सके। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे गोरखधाम, अवध असम, फैजाबाद, बिहार संपर्क क्रांति और वैशाली एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये ट्रेनें 15 अप्रैल को कहां से कहां तक चलने वाली है और इसमें सीटों की संख्या क्या है, इसमें सीटें फुल हो चुकी हैं या अभी बाकी है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको पूरी खबर दे देते हैं इन सभी ट्रेनों के बारे में जो यहाँ पे 15 अप्रैल को चलने के लिए तैयार है। दोस्तों आपको तो पता है कि देश भर में कोरोना लॉकडाउन के चलते 14 अप्रैल तक ट्रेनें बंद है। 15 अप्रैल से ट्रेनें शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के पटरी पर आते ही इनमें मारामारी होने वाली है, ये तो तय है। 15 अप्रैल से लखनऊ से मुंबई, हावड़ा और दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों में सीटें पूरी तरह से फुल हो चुकी है। कुछ ट्रेनों के स्लीपर में भी सीट बची है पर वह एकदम ना मात्र है। कोरोना में एक दूसरे के नजदीकी बनाने के लिए भले ही मना हो मगर यात्री अपने सफर में समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 15 अप्रैल से स्टेशनों पर भारी भीड़ यहां पे उमड़ने वाली है। ऐसे में सामाजिक दूरी का फार्मूला फेल होना तय माना जा रहा है, ऐसा कहना है रेलवे मंत्रालय का। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली जाने वाली काशी, गोरखधाम, अवध असम, फैजाबाद, दिल्ली फरक्का, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस समेत लगभग सभी ट्रेनों में थर्ड एसी की सीटें भी फुल हो चुकी हैं, जबकि स्लीपर में सफर के लिए फैजाबाद, दिल्ली और पद्मावत में ही सीटें बची हुई हैं। ट्रेनों का यह हाल 20 अप्रैल तक बना हुआ है। हावड़ा जाने वाली ट्रेनों की स्थिति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात, 15 अप्रैल को लखनऊ से कोई भी ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना नहीं हो रही है। अगर आप लोग लखनऊ के हैं और सोच रहे हैं हावड़ा जाने के लिए तो 15 अप्रैल को बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि उस दिन कोई भी यहाँ पे ट्रेन नहीं है। हावड़ा जाने वाली अधिकांश ट्रेन पीछे से आती है, इसके चलते 16 अप्रैल को ट्रेनें चारबाग से गुजरेंगी, जबकि इस दिन कुंभ, पंजाब मेल, दून, सियालदह और बाघ एक्सप्रेस में सीट खाली नहीं है। पंजाब मेल और सियालदह एक्सप्रेस के स्लीपर में केवल आरएसी में टिकट मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई के लिए। मुंबई के लिए 20 तक सीट एकदम नहीं है। मुंबई की ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार है। 15 अप्रैल को पुष्पक और अवध असम में सीट फुल है। अवध असम के स्लीपर में आरएसी में टिकट मिल रहा है। 16 को भी पुष्पक, कुशीनगर और गोरखपुर एलटीटी किसी भी ट्रेन में सीट यहां पे नहीं है। केवल गोरखपुर एलटीटी में आरएसी मिल रहा है, लेकिन वो भी जल्द ही यहां पे फुल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था कि अगर 15 तारीख को केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति मिल जाती है ट्रेन को चलाने के लिए तो पहले दिन 15 अप्रैल को कौन कौन सी ट्रेनें कहां तक चलाई जाएंगी और इसमें सीटों की संख्या क्या है और सीटें खाली है या नहीं खाली है, यही सब आपको आज की इस वीडियो में बताया हूं। दोस्तों अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया अपडेट लेके आऊंगा रेलवे से और हवाई उड़ानों से लेकर जो भी अपडेट आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको क्या जानकारी चाहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।